BCom SEM 3 English Medium Cost Accounting 1 Unit 2 Material Account 1 Student अगाओ के लेक्चर में हमने यूनिट 1 के बारे में इन्फॉर्मेशन ली थी। अगाओ के लेक्चर में हमने यूनिट 1 ख़त्म किया था। अब आज से हम यूनिट 2 यानी कि मटेरियल अकाउंट 1 के बारे में हम देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अ मेजर फैक्टर्स इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट के प्रोडक्ट में महत्व का एक तत्व है वो रॉ मटेरियल। द परसेंटेज इज ऑन एवरेज 35-40% एज वेल्डन हैज पुट इट इन द मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज More than 50% of the total production cost of a product is represented by direct material. Large amount of capital invested is locked up in stock of material and the cost of maintaining this stock can amount to be about 25% of the value of stock. यानी कि जो एवरेज परसेंटेज है जो कॉस्ट प्रोडक्शन का वो एवरेज 35-40% होता है, बट जो मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज है उसमें मोर देन 50% टोटल प्रोडक्शन के 50% कॉस्ट होती है। दिस इज एन एडेप्टेड प्रूफ ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। लुक of control over materials would lead of wastage and even pilferage. On the contrary, a substantial saving would be effected in the cost of production if only proper check over materials is maintained and that would be directly reflected in the profit. Material are no less important than cash and as much care of material is required as that of cash in any manufacturing enterprise. यानी कि cost material में average cost 35-40% होती है, major company में 50% होती है। RBI के इन्फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि कुल कैपिटल के यानी कि टोटल कैपिटल से 88% तक का इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें कुछ आधा भी रह जाता है और इस मटेरियल की वजह से परचेज या उसके यूज से हमें कंट्रोल की कितनी जरूरियात है, कितनी आवश्यकता है वो हमें मालूम पड़ेगी। उससे यानी कि मटेरियल की वजह से हमें मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉफिट मिलता है। अब हम डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। इन द वर्ड ऑफ वेल्डन, डायरेक्ट मटेरियल इज ऑल मटेरियल दैट बिक कम अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट द कॉस्ट ऑफ विच आर डायरेक्टली चार्ज्ड एज पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट। मटेरियल अकाउंट के बारे में वेल्डन कहता है डायरेक्ट मटेरियल ऑल मटेरियल का वन ऑफ पार्ट है। जो कॉस्ट का चार्ज है वो यानी कि उसकी जो कीमत है वो प्राइम कॉस्ट का भी एक पार्ट है। अब आगे देखते हैं। तो इट इज अ मटेरियल विच कैन बी मेजर्ड एंड चार्ज्ड डायरेक्टली टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि अथर्वण यानी कि दूसरे शब्दों में कहते हैं कि मटेरियल को
यानी कि मटेरियल का जो चार्ज है वो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में गिन सकते हैं। अब हम डेफिनेशन पर से फीचर्स के बारे में देखते हैं। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है वो डायरेक्ट एक्सपेंस भी है। हेंस इट बिकम अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, यानी कि वो प्राइम कॉस्ट का एक भाग है, पार्ट है। इट कैन बी सेपरेटली मेजर्ड एंड कॉस्ट, यानी उसको अलग से मेजर्ड कर सकते नहीं है, मेजर यानी कि उसको अलग से माप सकते नहीं है। इट बिकम अ पार्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी वो कुछ प्रोडक्ट का या प्रोडक्ट के समूह का एक भौतिक ही अंग होता है। यानी कि विद्यार्थी मित्रों, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड फीचर्स। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंट में मटेरियल अकाउंट का क्या महत्व, यानी क्या इम्पोर्टेंस है। विद्यार्थी मित्रों, कॉस्ट अकाउंट यानी कि जो पड़तर है उसमें मटेरियल का यानी कि माल का और समाल सामान का जो चार्ज है वो सीधी तरह से एक ही होता है। यानी कि कॉस्ट अकाउंट में मटेरियल अकाउंट्स का एक ही तरह का चार्ज होता है। अब डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल है ऑल मटेरियल का एक भाग है जो कॉस्ट में सारे मटेरियल्स होते हैं, यानी कि सारे मटेरियल का एक पार्ट है। वो डायरेक्ट चार्ज है, प्रोडक्ट का जो डायरेक्ट चार्ज है डायरेक्ट वो पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, यानी कि वो प्राथमिक उसकी जो प्राइम कॉस्ट है उसका भी एक पार्ट है। शब्दों में हम कहते हैं तो कि मटेरियल विच कैन बी मेजर्ड एंड चार्ज डायरेक्टली इन कॉस्ट ऑफ प्राइम प्रोडक्शन, वो सारे प्रोडक्ट का भी एक, यानी कि मटेरियल का जो चार्ज है वो सीधी तरह से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में उसको समा सकते हैं। अब फीचर्स, तो कि कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि जो डायरेक्ट मटेरियल है कॉस्ट का वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। बिकम अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, वो प्राइम यानी कि प्राथमिक कॉस्ट का एक पार्ट है। इट कैन बी सेपरेटली मेजर्ड एंड कॉस्ट, यानी कि उसको अलग से मेजर कर सकते हैं। इट बिकम अ पार्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो सारे प्रोडक्ट तैयार हो चुके हैं उसका भी एक पार्ट है। अब हम मटेरियल्स के टाइप के बारे में देखते हैं। तो मटेरियल्स के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट, यूज ऑफ मटेरियल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स। अब हम देखते हैं तो कि यूज ऑफ मटेरियल के टू टाइप्स है, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, द मटेरियल दैट बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल इज दैट विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड एज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल्स, उसमें 8 पार्ट है। फर्स्ट, रॉ मटेरियल्स, कॉम्पोनेंट्स पार्ट, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड स्टॉक, कंज्यूमेबल स्टोर्स, स्क्रैप, वर्क इन प्रोग्रेस एंड डिफेक्टिव वर्क। तो सबसे पहले फर्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ मटेरियल, इसमें डायरेक्ट मटेरियल, द मटेरियल दैट बिकम पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट मटेरियल। जो मटेरियल का पार्ट प्रोडक्ट में शामिल होता है उसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल इज दैट विच कैन नॉट बी ट्रेजेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जिस मटेरियल का प्रोडक्ट में समावेश नहीं होता उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। यानी कि जो डायरेक्ट मटेरियल को असिस्ट करता है उसको इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल में, पहला, फर्स्ट, रॉ मटेरियल, द
The material which are generally purchased from outside and consumed in the process of manufacture are termed as raw material. Ordinarily, it becomes a part of the product and is known as direct material. यानी कि जो material directly बाहर से purchase करने में आता है और उस पर कोई प्रोसेस की जाती नहीं है उसको सॉरी जो मटेरियल हम डायरेक्टली बाहर से परचेज करते हैं और उस पर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं और उसको अलग तरीके से तैयार करते हैं उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स पार्ट। व्हेन अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मेड अप of two or more parts of assembly. The part may be purchased from outside sources or may be manufactured in the factory. No further processing is required on such part in the course of manufacturing. Such part of which the final articles is made are known as components part. प्रोडक्शन के लिए जब वन या टू यानी कि एक या दो पार्ट्स को जॉइंट करने का होता है तब यानी कि वो पार्ट्स हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या बाहर से परचेज करते हैं और जो पार्ट हम प्रिपेयर करते हैं यानी जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कंपोनेंट्स पार्ट कहते हैं। उसके बाद सेमी फिनिश्ड गुड्स विच आर नॉट इन सेलेबल स्टेट ऑन विच सम प्रोसेस हैव बीन परफॉर्म्ड एंड विच रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर बीइंग ट्रांसफर्ड इन टू फिनिश्ड स्टॉक गोडाउन आर नो एज सेमी फिनिश्ड गुड। यानी कि गुड्स उस पर एक या उससे ज़्यादा प्रोसेस हुई होती है और कुछ प्रोसेस बाकी होती है उसको हम सेमी फिनिश्ड गुड कहते हैं। अब फिनिश्ड स्टॉक दे आर दोज गुड विच आर इन सेलेबल स्टेट एंड ऑन विच नो मोर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इज नेसेसरी। यानी कि जो गुड्स है उस पर अब कोई प्रोसेस करने की बाकी नहीं है यानी कि वो सेल्स के लिए रेडी है तो उसको हम फिनिश्ड स्टॉक कहते हैं। उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स मटेरियल लाइक ऑयल ग्रीस कॉटन वेस्ट एटसेट्रा विच आर जनरली रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग द मशीनरी एंड इक्विपमेंट आर टर्म्ड एज कंज्यूमेबल स्टोर्स। They are auxiliary items of stores, not become a part of product, but simply assisting production. यानी कि ऑयल ग्रीस कॉटन है वेस्ट है यानी कि कोई अदर मटेरियल है उसको हम मटेरियल कहते हैं। वो सेल्स के नहीं है सेल्स के लिए नहीं है बट वो प्रोडक्शन में जो हम वो हमें प्रोडक्शन में मदद करता है यानी कि हेल्प करता है उसे हम कंज्यूमेबल स्टोर्स कहते हैं। वो इनडायरेक्ट मटेरियल्स में उसको गिना जा सकता है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। उसके बाद स्क्रैप वेस्ट ऑफ मटेरियल अराइजिंग इन द कोर्स of manufacturing as well as spoiled or defective material are called scrap. यानी कि production के दरमियान जो goods हमको waste में मिलता है यानी कि वो कुछ काम का नहीं है उसको हम scrap यानी कि भंगार बोलते हैं। उसके बाद work in progress. The goods still in the process of being manufacture on which some process is partly done are work in progress.
यानी कि कोई एक प्रोसेस में जो गुड्स रखा गया है उस पर अभी प्रोसेस आती है या वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, उसको हम प्रोसेस का वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। उसके बाद डिफेक्टिव वर्क। डिफेक्टिव वर्क इज दैट प्रोडक्ट विच कंटेन एज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एंड कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट करेक्टिंग सच डिफेक्ट। इफ प्रोडक्ट कैन नॉट बी करेक्टेड देन दे आर सोल्ड एज सेकेंड्स। जो प्रिपेयर हुई आइटम्स होती है उसमें मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान कुछ डिफेक्ट रह जाती है, यानी कि कुछ खामियां रह जाती हैं, उसको हम डिफेक्टिव वर्क कहते हैं, यानी कि उसको हम डिफेक्टिव गुड्स कहते हैं। और ऐसे डिफेक्टिव गुड्स को हम रीप्रोसेस से या एक्स्ट्रा मटेरियल से हम उसको करेक्ट करने के लिए, यानी कि सुधारने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, फिर भी उसमें डिफेक्ट यानी कि खामी रह जाती है, उसको हम सेकेंड हैंड यानी कि सेकेंड गुड्स की तरह से हम सेल्स कर सकते हैं, यानी कि उसको डिफेक्टिव वर्क कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये था टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, यानी कि टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में हमने देखा। तो इतने सारे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने यूनिट टू मटेरियल अकाउंट वन के बारे में देखा, उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन के बारे में देखा, फीचर्स देखे और टाइप्स देखे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मटेरियल कंट्रोल के बारे में देखेंगे।